दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ काफ़ी खुश होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो हम रैक बनाते हैं दुकान के अंदर, जो मेडिकल या उसके बाद करीने की दुकान या इसके अलावा और भी बहुत सारी दुकानें बनाते हैं। तो दोस्तों हम जो इसमें डब डालते हैं वो किस तरह से डालने चाहिए, क्या तरीका सही है डब डालने का, और आगे हम इस वीडियो में बहुत सारा आपको नॉलेज देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो प्रेस करना ताकि आने वाली जो वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों यहाँ पे जो देख सकते हैं ये तीन सेल्फ हैं और इसमें जो दोस्तों मैंने आरी से खांचे लगा दिए हैं, और बाकी दोस्तों जो है मेरे कुछ सेल्फ बाहर भी हैं, और बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल्फ मैंने डाल दिया है, और बाकी जो दोस्तों हमारे पार्टीशन है, खड़े वाले पार्टीशन है, हमने उसके अंदर सामने से सामने टक्कर से हमने जो है कटिंग कर रखी है। और इसके बाद दोस्तों ये बाकी जो हमारे सेल्फ हैं हमने इनकी भी कटिंग कर रखी है, बाकी जो है इनमें जो है खांचे वगैरह जो है हमने लगा दिए हैं सेल्फ में। और बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी अलमारी है 16 इंची इसकी गहराई है, तो हमने 8-8 इंची जो है इसकी डब डाल रखी है। तो दोस्तों डब का तरीका क्या है, अगर आपका ज़्यादा सामान अगर भारी वाला आ रहा तो हमारे खड़े सेल्फ आ रहे हैं उसमें जो है सामने से टक्कर से काटने चाहिए, और जो हमारे पट वाले सेल्फ आ रहे हैं जिसमें यानी कि हम जिसमें सामान रखने वाले हैं वो दोस्तों हमारे पीछे से काटने चाहिए, पीछे से हमको जो है कटिंग करनी चाहिए। तो फिलहाल में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने दो सेल्फ जो हमने लगा दिए हैं, तीसरा सेल्फ हम लगाने वाले हैं। और बाकी दोस्तों मेन चीज़ जिसकी ये होती है जो हमारे खड़े सेल्फ आ रहे हैं हमें सामने से उसमें कटिंग करना है, और जो हमारे पट वाले सेल्फ आ रहे हैं यानी कि आप देख सकते हैं जो हम सेल्फ फंसा रहे हैं इसके अंदर ये हमें जो है पीछे से कटिंग करनी है, यहाँ जो हम सामान रखने वाले हैं वो सामने से टक्कर नहीं काटनी है, पीछे से काटनी है उसकी टक्कर, ठीक है। यानी कि हम जब सामान रखेंगे तो हमारे जो सेल्फ है वो दबेगा नहीं, पीछे से ये होगा हमारा जो बैक पिलाए लगाएंगे तो उसके अंदर दब जाएगा, ठीक है, और सामने से हमारा पूरी सपोर्ट रहेगी और कभी लटकेगा नहीं और ना ज़्यादा दिक्कत आएगी। बहुत से भाई क्या होते हैं जो हमारे खड़े वाले पार्टीशन है उसमें वो लगाए और इसके बाद दोस्तों कीलों से उनको जो है सेल्फ लगा देते हैं, उससे अच्छा तो दोस्तों आप डब डाल के लगाएंगे तो आपकी जो रैक बनेगी एकदम सॉलिड बनेगी, ना कभी दिक्कत आएगी ना कुछ होगा। तो फाइनली हमारे दोस्तों तीन सेल्फ पड़ गए और बाकी तीन और डालने के बाद फिर आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप कभी भी रैक बनाएं या बनवाएं तो इस तरह से आप जो है डब डलवा के बनवाएं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो अलमारी है पूरी फाइनल हो गई, यानी रैक हमारी पूरी फाइनल हो गई है। इसके बाद दोस्तों यह हमने आगे से 3 इंची की जो है पट्टी लगा रखी है ताकि जो हम इसके अंदर सामान रखें वो हमारा आगे को ना गिरे। दोस्तों ये जो हमने रैक बना रखी है हमारी स्टील की रेलिंग आती है उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है, आगे गिरे भी नहीं। हमने 3.5 इंची जो है हमने इसकी पट्टी की चौड़ाई रखी है, और बाकी इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं 16 इंची है, और हमने हर जो इसमें सेल्फ डाल रखे हैं सब में डब डाल के, यानी देख सकते हैं यहाँ तक डब हमारी, और इसकी गहराई है वो डीप जो है 16 इंची है, और बाकी देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से हमारी जो है रैक तैयार हो गई है। हमने नीचे से कोई सेल्फ लगाया नहीं है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।